मैंने इतने इतना पेट्रोल बेचारी सेल्टोस को पिला दिया कि इसके नाम का ना मेरी जेब से पैसे नहीं निकलते। ये चीज ये इतना कहाँ होता है किसी गाड़ी का। सिटी में अगर ठुकठुका गए तो मतलब बच ही जाएंगे। मेरे को यही चेसी नंबर की गाड़ी मिलेगी तो मैं लूंगा, और नहीं मिलेगी तो 50,000 तोड़ के दियो, लिख के दे मेरे को। तो मेरा ना वहाँ पे अल्ट्रॉस पे दूसरी तरफ जाने का मन ही नहीं कर रहा। पिचकी पड़ी है गाड़ी, क्रैश टेस्ट हो जाता, रेटिंग आ जाती इस गाड़ी की, तो उसके बाद डिसाइड कर पाते आप कि गाड़ी लेनी है या नहीं लेनी। अरे ये तो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है। आज आप फ्रेम में देखेंगे मारुति सुजुकी नई नवेली बलेनो 2022, और साथ में है सागर जी। सागर जी बहुत बहुत स्वागत है। सागर जी को बलेनो पहले पसंद नहीं थी, उसके बावजूद भी इन्होंने बलेनो ली है। वो पसंद इसलिए नहीं थी क्योंकि इनके यार दोस्तों के पास बहुत सारी बलेनो थी। उसने कैसा इंप्रेशन बनाया था आपके दिमाग में, पहले ये बताइए आप। ये एक तो इसके इतने हमने देख लिए थे कि भैया पिचकी पड़ी है गाड़ी। मेरे को था कि बिल्ड क्वालिटी पे जाना है सबसे पहले मतलब पहली प्रायोरिटी ये थी, तो मैं कहा बलेनो लेनी ही नहीं। फिर मेरे बाकी गाड़ियों पे टेस्ट ड्राइव वगैरह ली, फिर मैंने अमेज वगैरह चलाई, मजा ही नहीं आया गाड़ी चलाने में। अच्छा। फिर और गाड़ियां चलाई जो इसी की उसमें सेगमेंट में थी, i20 ये सब चलाई, i10 देखी, उसमें स्पेस इतना था तो कम था, मैंने छोड़ दिया। अच्छा। उसके बाद से फिर ये हुआ था कि रेगुलर में अपने भाई की गाड़ी चला रहा था, वो सेल्टोस जो बता रहा हूँ आपको। हाँ। वो मेरे भाई की है, तो रेगुलर मैंने वो चलाई, उसको चला के मजा आने लग गया। अब फिर सेल्टोस चला ली तो होता है ना कि उसने बिल्कुल होता ना कि स्पॉइल्ड मी टिल द कोर, वो कर दिया। अब उसके बाद मैंने और गाड़ियों की वो ली, टेस्ट ड्राइव ली, चलाने मजा ही नहीं आ रहा था। फिर ये आई 2022 में, मैं कहा चलो देख के आ जाते हैं क्या जा रहा है। एक बारी जो देख के गया, सबसे पहले मैंने कहा इसका बम्पर खोलो भाई तुम, बाकी सीट छोड़ो बाद में बाकी देखूंगा, पहले बिल्ड क्वालिटी बताओ कि क्या है। अपना कैश ट्रेस तो आया नहीं इसका। हाँ। तो क्या है, बम्पर उठा के देख लो। अच्छा। दरवाजे मार के देख लो। बोनेट उठाने में आपको फील क्या हुआ? ये बलिनो का नहीं लग रहा था मेरे को। अच्छा। हाँ, बलिनो का वो वाला तो था, वही उसको यूं उठा दो उठ जाता है। मैं इसको गया शोरूम में, मैंने यूं उठाया, एक बार में तो उठा नहीं। मैं अच्छा दूसरा हाथ लगाना पड़ेगा इस बार। अच्छा, आपको अंतर फील हुआ क्या? बहुत, मतलब इसमें भी फील हुआ, दोनों गेट में भी फील हुआ है। इवन मेरे को तो थोड़ा सा फेंडर भी इसका ठीक ही लग रहा है। अच्छा। पहले वाली से तो। हाँ। चलाने में क्या डिफरेंस आपको महसूस हुआ? चलाने वाली में देखो, मेरा सबसे पहले तो मैंने सबको बताया बिल्ड क्वालिटी था। फिर क्या हुआ, जब जैसे जैसे मैंने दूसरी गाड़ी चलाई तो मेरा ना प्रेफरेंस थोड़ी सी चेंज हो गई। देखो, चलानी मेरे लिए सिटी के लिए आई है, क्योंकि आउट सिटी से बाहर जाने के लिए हमारे पास दूसरी गाड़ी है। मेन सिटी में चलानी है, सिटी में अगर ठुकठुका गए तो मतलब बच ही जाएंगे, इतनी बिल्ड क्वालिटी तो इसकी दिख गई। अच्छा। फिर ये था कि जब से सेल्टोस चलानी शुरू करी तो फिर मेरा ना थोड़ा सा ड्राइवेबिलिटी पे ज्यादा प्रेफरेंस आने लग गया। अच्छा। कि गाड़ी चला रहा हूँ और चला के मजा नहीं आ रहा मेरे को, तो फिर उस गाड़ी का मैं क्या ही करूंगा, पैसे भी लगा रहा हूँ, फिर रोता रहूंगा कि मजा नहीं आ रहा चलाने में, मजा नहीं आ रहा चलाने में। अपने एंड से थोड़ा देखा कि हाँ भाई, मैं इसको एक काम कर सकता हूँ कि इसको ले लेते हैं, इसको दिल्ली में चलाते हैं। मतलब इसका ना आप कहोगे कहीं ना कहीं मेरे को ड्राइवर, अगर मैं इसको करूँगा ना, ड्राइवेबिलिटी का एक्सपीरियंस जो है मेरा कहीं ना कहीं सेल्टोस से मैच करता है। मतलब ये नहीं कहूँगा कि 100% है, लेकिन जो क्लोज बाय सबसे गाड़ियाँ आ रही थी इस सेगमेंट में वो ये थी। देखो, बिल्ड क्वालिटी की आप बात कर रहे थे, सेगमेंट में बहुत सारी ऐसी गाड़ियां भी हैं जिसकी बिल्ड क्वालिटी अच्छी है। हाँ। लेकिन फिर भी बलेनो के ऊपर जाने का रीजन क्या था? मैंने आप ये नहीं कह सकते कि इसकी बिल्ड क्वालिटी बहुत अच्छी है, नहीं नहीं। दूसरा रीजन क्या था जिसने ट्रिगर करा बलेनो की तरफ जाने में? देखिए, एक दूसरा ये था कि इसका जो ड्राइविंग एक्सपीरियंस आ रहा था, मैंने टाटा पंच का भी लिया था, ठीक है, इसका मतलब चला के देखा था। लेकिन उसमें क्या था, उसमें जब मैंने उस गाड़ी को चलाया तो जो एक गाड़ी कहते ना कि खिंचती और आप पुश बैक मारते हो सीट पे, तो उसका ना अगर आप देखोगे जो पावर आउटपुट है वो ना काफी लीनियर है। और सिमिलरली मेरे को पता चला, अच्छा भाई अल्ट्रॉस में भी यही इंजन है, तो फिर मेरा ना वहाँ पे अल्ट्रॉस पे दूसरी तरफ जाने का मन ही नहीं करा। कितना चला दिया आपने इस गाड़ी को? गाड़ी अभी चल गई ऑटोमेटिक हिसाब से अराउंड 7,400। आपको फ्यूल इकोनॉमी क्या मिल रही है अभी तक? सिटी की बात करूंगा तो मेरे को 14-15 देती है। मेरा अप डाउन है गुड़गांव का, मतलब वीक में ट्वाइस थ्राइस जाता हूं मैं, या जब भी मतलब इतना ही। और आसपास अगर सिटी में कहीं घूम रहा हूं तो 14-15, उससे ज्यादा तो बिल्कुल भी नहीं। 14 से भी आप मान लो कि कम ही होगा, दो चार हो। अच्छा, हाईवे में कभी लेकर गए हैं इस गाड़ी को? हाईवे पे मैं इसको मतलब 2-3 बार सिटी के लेके आया, हरिद्वार ऋषिकेश, और अभी रिसेंटली मैं गया था इधर पुष्कर और जयपुर, तो अपना वही 100 की स्पीड पे रखी थी। तो 100 पे इसको इसने निकाल के दिया है मेरे को 18 के आसपास, और वो मेजर हाईवे था पूरा। बिल्कुल ठीक दिया, मेरे हिसाब से तो सही दे रही है 100 की स्पीड में यार। अगर आपकी उम्मीदें इससे ज्यादा थी वो अलग बात है। अच्छा, पुरानी वाली बलेनो आपने अच्छी खासी चलाई है, आपके यार दोस्तों के पास थी। हाँ जी। आपने बताया कि थोड़ा बहुत वेट बढ़ा है दरवाजों में, बोनट में, और सस्पेंशन स्टीयरिंग वगैरह ये सब चीजें आपने फील करी क्या? इसमें कुछ अंतर मिला आपको? हाँ, पुराने वाली सस्पेंशन जैसे मेरे पास है, मेरे दोस्त के पास है 2017 बलेनो है उसके पास। अच्छा। अभी उसने सेकंड हैंड ही ली थी, अब ली है उसने। अब उसकी गाड़ी में बैठता हूँ ना मैं, तो ऐसा आता है कि अगर खड्डा आया तो उसकी उसमें क्या होता है, खड्डा आएगा तो पता चलेगा गाड़ी दबी और उठी। इसमें क्या होता है कि अगर आप गाड़ी चला रहे हो खड्डे में गई तो ना एक बारी को ना थोड़ा सा कंफर्ट रहता है कि आप अपनी जगह पे टिके रहते हो, कुशन मिलता है। हाँ, तो थोड़ी सी हैवी फील होती है, थोड़ी और ज्यादा चिपक के चलती है। मतलब वो हाईवे पे नहीं लेके गए हम इतनी, ये हाईवे पे गई है तो इसका परफॉर्मेंस ठीक था।
अब मुझे पता नहीं कि इतनी एक्सपेक्टेशन रखनी चाहिए नहीं चाहिए। अगर 100 पे चल रहा है गाड़ी ठीक है, 100 पे फटाफट पहुंचेगी, 120 पे चली जाएगी, उसके बाद इसमें नहीं होता। नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन की यही कहानी। नेक्सा का सेल्स और सर्विस एक्सपीरियंस कैसा लगा? इससे पहले क्या होता, मेरे दोस्त ने जो बलिनो निकाली थी, कमिटमेंट देते हैं कि सर 15 दिन में दे देंगे, 20 दिन में दे देंगे, ऐसा कमिटमेंट आ जाता है। उसने ली थी जब एंड ऑफ द ईयर हो रहा था, कुछ ऑफर आ रहे थे शायद, तो उसको बोल दिया सर आप 15 दिन में गाड़ी की डिलीवरी दे देंगे। पूरी गाड़ी पैच उठानी थी, तो पहले तो हाँ भाई आपकी गाड़ी हमने ये करवा रहे हैं वो करवा रहे हैं निकल रही है, तो 20 दिन का आप मान लो, मेरे ख्याल से मेरे को इतना ही याद है। तो उसको बोला गया कि आपको 20 दिन में मिल जाएगी, ठीक है। उससे फोन से मतलब डिलीवरी जो बुकिंग अमाउंट था वो तो दे दिया। अब जब उससे पहले जब गाड़ी आ जाएगी चेक करेंगे तभी पूरी पेमेंट करेंगे हम, तो उससे पहले उसके पास फोन आने लग गए, तो उसको पहले पेमेंट करा दीजिए क्योंकि कैश उठा रहा था वो, थोड़ी ये करिए वो करिए, नहीं करी उसने, टरकाया। उसके बाद 20 दिन पूरे हो गए गाड़ी नहीं आई, को बोला कि हम आपकी गाड़ी और आ जाएगी ट्रांजिट में, अच्छा। आप ये लीजिए इसका चेसी नंबर, अच्छा। वो बंदा सेटिस्फाई हो गया कि चलो चेसी नंबर दे दिया। 20 दिन बाद फिर 15 दिन निकल गए, जब 16वें दिन गाड़ी मिली पता चला अच्छा भैया चेसी नंबर चेक करा अलग है, तो भाई अच्छा। तो उसे बोला कि भैया तो चेसी नंबर अलग है, कह रहा अरे वो शायद आगे वाली गाड़ी का दे दिया होगा, अच्छा। उसको ऐसे करके उसका काटा 1.5 महीना। सिमिलरली मेरे साथ करा उन्होंने, आप जी मैं ऑटोमेटिक पे जाने वाला था, आप मैनुअल ले ली थी फिर मैंने सीएनजी के चक्कर में, सेम भाई 20 दिन में दे देंगे सर, असल में मेरा बर्थडे था इस दिन, मेरे को चाहिए थी, मैंने कहा बर्थडे वाले दूंगा डिलीवरी। तो सिमिलरली मेरे को चिपकाने की कोशिश करी, ऐसा था कि 24 तारीख तक गाड़ी का था पता नहीं, सर ट्रांजिट में ये लीजिए चेसी नंबर, मेरे को पता थी ड्रिल। मैंने सर बोला, मैं कहा देख भाई तूने चेसी नंबर दे रहा है, मैं चेसी नंबर ले रहा हूँ, मेरे को यही चेसी नंबर की गाड़ी मिलेगी तो मैं लूंगा, और नहीं मिलेगी तो 50,000 तोड़ के दियो, लिख के दे मेरे को तू। अगले दिन मैं फिर गया, मैंने बोला भाई 28 तारीख को गाड़ी डिलीवरी दे रहा है तो दे, नहीं तो अगले दिन 26 तारीख को कैंसिल कर दियो बिना पूछे, मैं फोन भी नहीं करूंगा, मेरे अकाउंट में पैसे आ जाने चाहिए। फिर 26 तारीख को फोन आया, लेकिन आया कि सर आपकी गाड़ी आ रही है, कल आ जाएगी 27 तारीख को, आप डिलीवरी ले लो। मतलब बहुत धक्का करके और एंड टाइम पे उन्होंने गाड़ी दी मेरे को। जैसे अभी इन्होंने जो ट्रिक बताई ना, अगर आपको बेवकूफ बना रहे हैं सेल्स वाले तो आप ऐसा कर सकते हैं। वैसे गाड़ी को चलाते चलाते बात करें जी, बिल्कुल देखते हैं कि कैसे चलती है, बहुत दिन हो गए चलाई नहीं है। शर्मा जी ये बताओ कि गाड़ी कौन सी है, कितने की पड़ी, वेरिएंट कौन सा है? ये है जी बलिनो का डेल्टा वेरिएंट 2022, और मेरे को ये पड़ी थी ऑन रोड पूरे ऑलमोस्ट 8 लाख की। इसमें मैंने एक्सटेंडेड वारंटी नहीं ली थी। 8 लाख आपने लगाए और फ्यूचर में आप सीएनजी लगाने की सोच रहे हैं? हाँ जी। तो ऐसी बहुत सारी गाड़ियां थी, हैचबैक भी थी और कॉम्पैक्ट सेडान भी थी जो सीएनजी फैक्ट्री फिटेड आती है, आप उस पर भी तो जा सकते थे। हाँ, इस पर मैंने वो देखा था अपनी ग्रैंड आइटम जो आती है, मैं पूछने गया कि डिलीवरी कब मिलेगी, उन्होंने बोला 8 महीना में, वहीं से फिर वापस आ गया कि 8 मंथ तो वेट करना ही नहीं है। मतलब ये था कि हमारे पास जैसे बताया कि एक ही गाड़ी थी इससे पहले जो जरूरत पड़ने लग गई थी तो लेनी ही थी दूसरी गाड़ी, तो फिर मैंने कहा वेट ही नहीं करना। फिर इसके अलावा फिर टियागो देखी नहीं थी मेरे को, असल में टियागो मैंने पहले चलाई है, जूम कार की चलाई थी एक्चुअली, उसकी मैंने चलाई तो वो भी लंबी चलाई थी, उसका मेरे को ड्राइव पसंद ही नहीं आया था। इस चक्कर में मैंने सोचा फिर कि बाहर से लगवा लेंगे, ये ले लेते हैं। चलने में तो बहुत स्मूथ है यार, टियागो कहाँ पसंद आएगी आपको सेल्टोस चलाने के बाद। हाँ वो भी एक रीजन है ही। अच्छा कोई नेगेटिव है गाड़ी में या सारे उम्मीदों पे खरी उतर रही है, या कुछ इम्प्रूवमेंट चाहिए गाड़ी को होने चाहिए? इसमें तो बहुत इम्प्रूवमेंट चाहिए अभी भी मेरे को ऐसा लगता है। अच्छा, छोटी छोटी चीजें हैं। एक इसका ना जो सबसे ज्यादा मेरे को फीडबैक मिल रहा है एसी के लिए, जैसे मैंने जब ये ली थी मार्च में तो लेते ही मैं निकल गया था ऋषिकेश घर वालों को लेके, तो उसमें ऐसा हुआ कि आगे आगे तो मेरे को ठंडा लग कर रहा था उस टाइम पे, पीछे नहीं करता था। अच्छा। मैंने फिर भी फुल पे भी चला दिया, सब कर लिया, वो कर ही नहीं रहा ठंडा, घर वाले बड़े दिक्कत कर रहे थे। फिर मैं इसको लेके गया, फिर इसको मैं थोड़ा दिल्ली में और चला रहा था, तो इस टाइम पे क्या था कि अगर मैंने इसको एसी सबसे लो पे कर दिया है, फैल ऑलमोस्ट 3-4 पे कर दिए हैं, तो उस टाइम पे क्या होता है कि उस टाइम पे भी ना इसका ब्लोअर अगर मेरे मुंह पे है तो मेरे को ठंडा खा रही है, और पीछे कान पे मेरे को लग रहा है गर्म। अच्छा। ऐसा इसका हालत था, तो मैं हो गया दुखी। मैंने इनको सर्विस भी बताया था आप कर दो ठीक, एसी में दिक्कत आ रही है, कहते सर थोड़ा सा नीला कलर है ना तो इस चक्कर में थोड़ा सा होता है। अच्छा। उन्होंने हाँ, फिर उन्होंने टेस्ट क्या करा इसका जो होता है ना वो एसी का टेस्टर होता है जो एसी के बिल्कुल मुंह में घुसा देते हैं, और हमें मेरे को फोटो क्लिक करके भेज दी, देखिए सर 10 से नीचे है, ये हमारे ओक की तरफ से ओके है। मैं गया, मैंने कहा आप टेक, मैं कहा आओ बैठो गाड़ी में, कह रहे सर वो टेस्टर लगा देते हैं, मैंने कहा टेस्टर छोड़ तू गाड़ी में बैठ, वो गाड़ी में आगे बैठा हुआ है, दो जने बैठे थे। मैंने बोला भाई बोली कूलिंग कर रहा है, कह रहा हाँ कूलिंग कर तो रहा है पसीने नहीं आ रहे और मेरी ना हंसी छूट गई। मैंने कहा भाई एसी का मतलब कूलिंग होता है, वो पसीना ना आना होता है, मैं शीशे खोल लूँ। फिर उसने पूरी एसी की ये जो थी इसकी गैस ड्रेन आउट करी डाली, फिर थोड़ा सा इसका फर्क पड़ा था, थोड़ा सा ही पड़ा था, मतलब इम्प्रूवमेंट तो तब भी नहीं थी, जो मैं 40 डिग्री की बात कर रहा हूँ जब टेम्परेचर था इसका। एसी की प्रॉब्लम और बलेनो ओनर्स को भी हाँ, होती है क्या? हाँ, मेरे नेबर्स में भी एक ने व्हाइट ले ली। अच्छा। अब मेरे को उसने बोला था कलर डार्क है। हाँ। मेरे को थोड़ा सा लगा क्या पता सही बोल रहा हूँ एक बार इनको। हाँ। तो मैंने व्हाइट वाले से पूछा, कह रहा भाई बिल्कुल बेकार है इसका, वो भी हाईवे पे लेके गया, सेम रिस्पॉन्स। तो फिर ये गाड़ी की ही मतलब या तो वेंट्स इन्होंने काफी छोटे कर दिए हैं इसके,
क्योंकि पुराने वाली का तो बहुत चिल्ड एसी है इसका तो, और इनफैक्ट अभी सेकंड सर्विस हुई थी, मैंने दोबारा इसको करवाया है और तब भी उतनी कूलिंग नहीं करता ये, सबसे बड़ा ड्रॉबैक इसका एसी है। और उसके अलावा, उसके अलावा देखो अभी जैसे क्या होता है कि इसमें ना गाड़ी में नई गाड़ी है और अभी थोड़ी सी रैटलिंग साउंड आ जाएगी आपको अभी भी इसमें, मुझे लगता है ऐसा है कि थोड़ा सा वाइपर की तरफ से आती है लेकिन है पता नहीं कहाँ से आती है, अंदर से थोड़ी सी लगता है इन्होंने ना, बाहर से तो चलो जो ठीक करनी थी कर दी, अंदर से इन्होंने कमी पेशी कर दी है। जैसे मेरे को ना इसकी सीट्स बिल्कुल ही पसंद नहीं है। अच्छा, ड्राइवेबिलिटी में गाड़ी बढ़िया है लेकिन कंफर्ट में नहीं है, मतलब एटलीस्ट ड्राइवर के लिए। मैं इसको, मैं जैसे सेल्टोस चलाता हूँ, मैंने वो एक रन में 500 किलोमीटर खींची हुई है यार सेल्टोस से तो। अरे इसका अब मेरे को कंपैरिजन वही आता है जब वही चलाता हूँ दूसरी, लेकिन स्टिल 500 नहीं तो ये मैंने 150 किलोमीटर गाड़ी चलाई थी और मेरी ना कमर में दर्द हो गया था, मतलब इसकी ना जरूरत से ज्यादा सॉफ्ट सीट्स है। जैसे आप अगर इसको देखोगे, ये देखो ये चीज, ये इतना कहाँ होता है किसी गाड़ी का, तो ये मेरे को लगता है कि जरूरत से ज्यादा सॉफ्ट है। यहाँ पे ना जैसे ये सीट बेल्ट का जो नॉक होता है आपका, ये चीज ना ये सिर्फ मूवेबल ऐसा है कि आगे पीछे हो रहा है, तो इसमें क्या होता है आप जैसे अब थोड़ी सी इसको गाड़ी थोड़ी लंबी चलाओगे ना, तो सिंस ये ऊपर नहीं जाता या फिर ये नहीं होता तो ये कई बार ना किसी किसी पोजिशन में ना चुभने लग जाता है ये। अच्छा, आगे ये मतलब मुझे फील हुआ है जब मैंने लंबी चलाई है गाड़ी। अच्छा ये बताओ कि ब्रेकिंग की परफॉर्मेंस कैसी है, ब्रेकिंग कैसी लगी आपको गाड़ी की परफॉर्मेंस? तो आप परफॉर्मेंस इसकी अच्छी है नो डाउट, लेकिन सडन ब्रेकिंग उतनी खास नहीं लगती मेरे को इसकी। कि अगर आप इसको लेके चलाओगे मतलब 60-70-80 पे हो और आप इसको एकदम से ब्रेक लोगे, तो मेरे को वो चीज इसकी इतनी पसंद नहीं आई थी। एक मतलब भी मैंने टेस्ट नहीं करा था, वो लगानी पड़ गई थी। तो आपके हिसाब से गाड़ी का एवरेज कम मिल रहा है आपको, जैसे सिटी में आप 13-14 बता रहे हैं, हाईवे में 18 बता रहे हैं। हाँ जी, ठीक है। तो कैसे चलाते हो आप, तेज स्पीड में चलाते हैं या फिर एक्सेलरेट प्यार से करते हैं या फिर खींच के करते हैं, कैसा तरीका है आपका? नहीं, मैं बहुत लाइट फुट से चलाता हूँ गाड़ी। अच्छा, मतलब ऐसा है कि मेरा तो, मैं मतलब ना इस मामले में थोड़ा सा कंजूस हूँ कि मैंने इतना पेट्रोल बेचारी सेल्टोस को पिला दिया कि इसके नाम का ना मेरी जब से पैसे नहीं निकलते। तो मेरा ये है कि इसको जब मैं चलाता हूँ तो बहुत हल्के पैर से चलाता हूँ, इतना होता है कि 2000 RPM पेस की वाई तो यही, और मैंने गियर बदल दिया, ये हाल है। एवरेज दिखा रहा है 14.4 km/L, यही बता रहे थे आप टैंक टू टैंक बता रहे थे? ये टैंक टू टैंक करिए मैंने। वैसे कितने साल रखने का प्लान है ये? अगर इसकी हालत वो मेरे दोस्तों जैसी नहीं हुई तो रख ही लूंगा, मतलब अगर मेंटेन तो करने की ट्राई करता हूँ। तो जहाँ तक है कि ये आ जाएगी, मतलब दो गाड़ियाँ जरूरत पड़ेगी मेरे को आगे, सिंस मतलब अभी तो मैं सिंगल हूँ, शादी वादी करूंगा, वाईफाई की तो उनको भी सही होगी। तो मेरा मूड है कि मैं फिर नेक्स्ट इलेक्ट्रिक पे जाऊंगा, अभी इसको पहले CNG लगवा के फिर चला रख के अगर ठीक परफॉर्म करती है तो रख लेंगे और एक इलेक्ट्रिक ले लेंगे साथ में। अच्छा, बलेनो नहीं लेते तो कौन सी गाड़ी लेते, सेकंड चॉइस क्या थी आपकी? मेरी सेकंड चॉइस थी अमेज, जो ये वाली नई वाली थी। अच्छा, किन लोगों को रिकमेंड करेंगे आप बलेनो? तो जिनको ऐसा रखना है कि गाड़ी लो मेंटेनेंस के लिए चाहिए, तो मारुति का नाम चलता ही है तो एक वो इसके लिए जा सकते हैं। सेकंड ऑफ ऑल, जिनको सिटी ड्राइव के लिए मैं रेकमेंड करूंगा कि जो सिटी ड्राइव रखना चाहते हैं, मतलब जिनका मेजर डिस्टेंस आप कह लो कि सिटी में हो रहा है, वो रख सकते हैं क्योंकि ड्राइवेबिलिटी एक्सपीरियंस काफी अच्छा है। और अगर बिल्ड क्वालिटी की बात है तो सिटी में तो बच जाओगे, इतना होगा गाड़ी नुकसान खा लेगी लेकिन बच जाओगे। और मैं ये कहूंगा कि अगर किसी को ना एलॉय से दिक्कत है तो इसके ऊपर मॉडल पे जाओ, मतलब वो 1 लाख का जिन्होंने डिफरेंस गैप बनाया है, तो अगर बजट हो तुम्हारा 9 लाख रुपए का तो इसके ऊपर जाओ बस, तो मैं एलॉय से दिक्कत नहीं होनी चाहिए कि एलॉय बड़े बेकार है जेटा के ऊपर। क्रैश टेस्ट हो जाता, रेटिंग आ जाती इस गाड़ी की, तो उसके बाद डिसाइड कर पाते आप कि गाड़ी लेनी है या नहीं लेनी? अरे ये तो अगर कितने आते तो लेते, कितने नहीं आते तो लेते, ये बताओ पहले। देखो मेरे को ना मतलब मैं अपना वही वाला फंडा अपना रहा हूँ कि मेरे को सिटी में बचने के लिए मेरे हिसाब से 3 स्टार चाहिए। अच्छा। तो अगर 3 आते मैं तब भी इसको प्रेफर करता, मतलब हाँ कि ठीक है क्योंकि मेरा उतना बाहर का, दिल्ली के बाहर का है ही नहीं ड्राइव, तो उस हिसाब से मैं ले लेता इसको। अच्छा। 3 पे, लेकिन अगर 3 से एनी डे नीचे होता तो फिर मैं अपना जो सो फिर मैं थोड़ा सा उस पे आ जाता कि नहीं भैया थोड़ा पेट्रोल ज़्यादा डलवा लेंगे और जान बचाएंगे, तो फिर मैं अमेज पे जाता, या फिर उस टाइम पे मैं अल्ट्रॉस भी सोच सकता था, लेकिन फिर अल्ट्रॉस का वो था मेरे को वो पसंद नहीं आया था उसका स्मूथनेस और इतनी पेपिनेस अल्ट्रॉस में नहीं मिलती। आप रिग्रेट करते डेली जब भी आप गाड़ी चलाते, क्योंकि आपकी जो रिक्वायरमेंट थी, आपकी प्रेफरेंस थी परफॉर्मेंस, आपको सेल्टोस से मैच करना था, तो अल्ट्रोज नहीं बैठती इस पे। तो दोस्तों ये था सागर जी का एक्सपीरियंस नई बलेनो का, बलेनो 2022 का। खुश हैं और थोड़ा सा एवरेज कम मिल रहा है मारुति में भी इनको, बाकी सब कुछ सही है, जैसा इन्होंने चाहा था वैसा इसमें मिल रहा है। थोड़ी बहुत क्वालिटी के इश्यूज भी हैं, बट ठीक है, काम चलाओ चल रही है, चलाएंगे इसको, CNG लगाएंगे फिर मजे लेंगे एवरेज से।
अगर आपने भी अपनी गाड़ी का ओनरशिप एक्सपीरियंस शेयर करना है तो जो आपको स्क्रीन में ईमेल दिख रही है आप मुझे मेल कर सकते हैं, हम आपसे मिलेंगे जरूर। और आज की वीडियो में बस इतना ही। ये मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है, यहाँ पर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, ख्याल रखिए अपना, भारत माता की जय। और थैंक यू सागर जी आने के लिए यार। थैंक यू रवि जी।